आप सबको पता है शादी के बाद हम लोगों का लाइफ पूरा चेंज हो जाती है। लड़का या लड़की दोनों का लाइफ चेंज हो जाती है। लेकिन शादी के बाद लड़का को इतना क्वेश्चन नहीं फेस करना पड़ता है जो 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 क्वेश्चन एक लड़की को फेस करनी पड़ती है। चाहे आप जितना भी नौकरी कर लो, चाहे आप IPS क्यों ना हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको शादी के 2-3 साल के बाद फेस करना ही पड़ेगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है। और अगर आप इंडिया में हो तो और भी ज़्यादा, शायद 1 साल के बाद ही आपको फेस करना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं शादी के बाद एक लड़की क्या क्या क्वेश्चन फेस करती है। ओके, और ये एक ट्रेलर है। बेटा 2 साल ऑलरेडी शादी हो चुकी है, घर में करते क्या हो पूरा दिन? एक बच्चे तो होना ही चाहिए। नहीं आंटी, एक्चुअली मैं तो नौकरी करती हूँ, फिर पूरा दिन मेरे को टाइम ही नहीं मिलती है। मैं तो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर लंच का थोड़ा तैयारी करके मैं नौकरी के लिए निकल जाती हूँ, तो मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलती है। बेटा कितना कमा लेते हो नौकरी करके तुम? और शादी के बाद क्या चाहिए? हस्बैंड का इतना अच्छा नौकरी है और हस्बैंड तो कुछ पैसा देते ही होंगे हाथ में, तो इतना पैसा लेके क्या करोगे? देखो मेरे को देखो, मैं भी पहले नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ छोड़ दिया। शादी के बाद बस मेरा अभी 2 बच्चे हैं, और क्या चाहिए लाइफ में? यही तो एक औरत का असली सुख होती है ना। शादी के बाद सबसे पहले बच्चे जरूरत है। जितना भी नौकरी कर लो, चाहे कुछ भी कर लो बेटा, एक बच्चे हो ना तो ये औरत का जो जिंदगी है वो फुलफिल होती है, नहीं तो फुलफिल नहीं होती है। और देखो आपके अंकल जी बहुत अच्छा नौकरी करता है, मेरे को पर महीने 2-3 हज़ार रुपया हाथ में देता है मेरे ये मेकअप बेकअप के लिए। और क्या चाहिए एक औरत को? एक औरत को तो थोड़ा मेकअप के लिए सामान चाहिए, और खाने पीने का तो ऐसे ही मिल जाता है घर में, अंकल जी तो लेके ही आते हैं खाने पीने के सामान। और क्या चाहिए हम लोगों को? एक्चुअली नहीं आंटी, मेरे को नौकरी करना अच्छी लगती है। एक्चुअली थोड़ा सेल्फ डिपेंड भी तो होना चाहिए ना। इंडिया अभी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और अभी भी आप बोल रही हो कि नहीं नौकरी करके क्या करोगे, शादी के बाद सबसे पहले बच्चे होना चाहिए तभी असली सुख होती है। लेकिन सेल्फ डिपेंड भी तो होना चाहिए ना, कि मेरा एक खुद का आइडेंटिटी हो। मैं जब बाहर जाऊंगी तो मैं भी बोल सकती हूँ, जैसे मेरा हस्बैंड बोलता है कि मैं तो इसमें हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, तो मैं भी बोल सकती हूँ कि मैं भी नौकरी करती हूँ, मेरा ये है, ये मेरा आइडेंटिटी है और ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, तो मैं भी बोल सकती हूँ ना आंटी। और बच्चे के बाद, बच्चे तो बाद में भी हो जाएगा, बच्चे तो 2-3 साल या 5-6 साल के बाद भी ले सकते हैं। और अभी तो देखो आंटी, इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मेडिकल फैसिलिटी इतना अच्छा है, हम लोग 40 इयर्स में भी बच्चे पैदा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, ये जो तुम लोग हो ना न्यू जनरेशन, तुम लोगों के अंदर ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट का भूत है। ये जो सेल्फ डिपेंड है, ये है वो है, कुछ नहीं है। जब शादी किया ना, एक बच्चा जब तक नहीं होगा, कुछ सेल्फ डिपेंड सेल्फ आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है। जब आप जाओगे ना कोई रिश्तेदारों के घर, तो पहले तो ये पूछेंगे बेटा कितने बच्चे हैं, और अगर बच्चे नहीं है तो ये पूछेंगे कि कितने महीने चल रहे, ठीक है? तो आप अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो IPS ऑफिसर हूँ, नहीं मैं तो टीचर हूँ, कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा बेटा। पहले एक बच्चा पैदा कर दो और उसके बाद तो जिंदगी तुम्हारा है, फिर से नौकरी कर लो, क्या प्रॉब्लम है? और नौकरी तो मिल भी जाती है, क्यों नहीं मिलेगी? मिल तो जाती है, मेरे को तो नौकरी मिला था लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को ये आइडेंटिटी आइडेंटिटी नहीं बनाना है। मेरा पास भी आइडेंटिटी है, मैं भी मॉम हूँ, एक मेरे 2 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है, मैं सुबह सुबह उठ के उन लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, फिर वो लोग खा पी के ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग, और क्या चाहिए? और आप सेल्फ डिपेंडेंट का बात कर रहे हो, कुछ नहीं होती है बेटे ये सब सेल्फ डिपेंड वेल्थ डिपेंड। नहीं आंटी, नौकरी इतनी जल्दी से नहीं मिलती है, अभी बहुत कंपटीशन है मार्केट में, एक नौकरी के पीछे लाखों लाखों कैंडिडेट है,
एक नौकरी के एक पोस्ट के लिए तो इतनी जल्दी नहीं मिलती है। और देखो आंटी, मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना कुछ किया, तो मेरे को भी तो कुछ करना चाहिए ना, मेरी मम्मी पापा को भी तो देखना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ पढ़ाई किया, शादी किया, बच्चे पैदा करने के लिए, ऐसे तो नहीं होता है ना आंटी। अभी का जो बच्चे लोग है ना, पूरा बिगड़ चुकी है। अब से बोल रही हूँ बेटा, शादी हुई है, एक बच्चे लो, उसके बाद करते रहो अपना नौकरी वकरी, जो भी करना है करते रहो, कौन बोला है नहीं करना है। नहीं, कंपटीशन है, ये है, वो है। अरे है तो है, लेकिन बच्चे भी तो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कंपटीशन है बोल के बच्चे नहीं लोगे। फिर बच्चे अगर बाद में नहीं होगा तो तब क्या होगा, बच्चे भी तो होना चाहिए। और ये जो बात कर रहे हो ना आप लोग कि 40 इयर्स में भी बच्चे हो जाती है, 35s में भी बच्चे हो जाती है, बेटा वो इधर नहीं होती है। वो सब तो कैटरीना कैफ, करीना कपूर उन लोगों ने किया है। हम लोगों को जैसा जो नॉर्मल इंसान है उन लोगों का नहीं होती है। ओके, तो ये सब चक्कर में मत जाओ, मेरी बात थोड़ा सुन लो। शादी हो गई है, पहले अच्छे से फैमिली प्लानिंग कर लो, उसके बाद अपने नौकरी करते रहना। ओके, और अगर कंपटीशन है, नौकरी छूट गई तो गई, हस्बैंड का तो सैलरी है, और क्या चाहिए। एक औरत को ना 2-3 हज़ार रुपया महीने में चाहिए मेकअप वेकअप खरीदने के लिए, और क्या चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। और 2-3 हज़ार रुपया तो हस्बैंड लोग दे ही देंगे। ओके आंटी, ठीक है मैं ना अभी चल रही हूँ। एक्चुअली ना मेरा एक ऑफिस का मीटिंग है, तो मैं अभी चल रही हूँ, फिर बाद में आऊंगी। हाँ, आपके सारे बात मेरा याद रहेगा, अच्छा से याद रहेगा। हाँ, मैं बाद में जरूर आऊंगी। हाँ, जब भी टाइम मिलेगा तब भी आपके पास आ जाऊंगी। हाँ, गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ मिलेगा मिलेगा, जरूर मिल जाएगा। हाँ, जल्दी मिलेगा, जल्दी। ओके आंटी, बाय, मैं चल रही हूँ। हाँ।